बिस्मिल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू जी फैमिली व्लॉग्स मैं हूं उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे शुक्र हम जो है दुआ से मैं और मेरी फैमिली सब खैरियत से हैं आज मैं आप लोगों के साथ अपने स्कूल की तरफ से मिला गया एक जो है ना प्रोजेक्ट एक चार्ट तो हम लोगों ने क्लास के लिए बनाना है उसकी जो है ना व्लॉग शेयर करूँगी तो आप लोग देखिएगा कि मेरी और मामा की जो तीन दिन की मेहनत है तो उससे एक चार्ट जो है किस किसान हम लोगों को बहुत ही मेहनत से बनाया तो सबसे पहले चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे है जी हमारे पास अलग अलग कलर के सॉफ्ट चार्ट पेपर्स जिसके हम लोगों ने फ्लावर बनाने हैं एक हम लोगों ने सैंपल फ्लावर जो है वो कट कर लिया था इसी जो है ना इसी के साइज़ के हम लोग बाकी जो फ्लावर्स हैं वो बना लेंगे साथ। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेसिंग करनी है और आप यकीन करें कि ये ट्रेसिंग है ना ये बड़ी मुश्किल से हुई थी बड़ी मुश्किल से का मतलब है काफी सारे फ्लावर्स बनाने थे तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा फ्लावर्स में ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया था तो इस तरह से एक सैम्पल फ्लावर हम लोगों ने कट कर लिया और सेम साइज़ के जो हम लोगों ने काफी सारे फ्लावर्स बना लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेसिंग तो मैंने इसे कर ली है अब यहाँ पे एक और मैं जो है फ्लावर ये रेडी कर लूंगी इसके बाद हम लोग जो है इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो अब ये अब आप लोग यकीन करें कि जो हमने फ्लावर्स कट करने थे तो फ्लावर्स की भी पेटल्स जो है ना उनका भी ख्याल रखना था कि अच्छी तरह से सही तरीके से ये कट हो जाएँ तो कटिंग में भी जो है टाइम लगा मतलब तीन दिन की लगातार मिनट के बाद जो है ना ये चार्ट बना था और जब ये चार्ट मैं स्कूल लेकर गई थी तो रियली टीचर ने पूरी क्लास में जो करवाया था कि वाकई की बिल्कुल जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बहुत लाजवाब जो है ना ये मेरा चार्ट रेडी हुआ था तो बस अब देखते हैं कि जो है वो क्लास में कब लगता है क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि जो हमारी अन करीब जो पी आ रही है उस पर जो है ना बाहर इन्होंने लगवाना है दैन वो हमारी क्लास में लगवा देंगी लेकिन फिलहाल आई एम सो एक्साइटेड कि मैं जो है ना पी वाले दिन अपना ये चार्ट लगा हुआ देखूँ तो फ्लावर तो हम लोगों ने यहाँ पर कट कर लिए हैं और अब इसके अंदर हम लोगों ने जो है ब्लैक कलर का जो डॉट सा होता है बड़ा सा वो लगाने का है तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लूस्टिक का कैप लिया है आप लोग किसी भी चीज़ का ले सकते हैं छोटा सा कैप छोटा सा अच्छा इससे आप लोगों को भी अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको भी अपनी क्लास डेकोरेट करने के लिए या जो है ना रूम में कोई फ्लावर वगैरह लगाने के लिए एक मैं आपको बताऊँ एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आप एक चार्ट बना सकते हैं क्लास को डेकोरेट करने के लिए जो होगा भी जो स्कूल से या स्टडी या क्लास से रिलेटेड तो इस तरह से हम लोगों ने सर्कल्स भी कट कर लिए हैं अब हम लोग जो है इस सर्कल पे जो है ग्लू स्टिक की मदद से इसको अपने फ़्लावर के बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे इससे जो है हमारा फ्लावर बिल्कुल अच्छी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देंगे तो फ्लावर बनाने का आपको मैंने डिटेल जो है ना वे बता दिया है इसी तरह हम लोगों ने जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं वो रेडी कर लेने हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने कितने सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं डिफरेंट कलर के हम लोगों ने फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं सैम्पल साइज़ की हम लोगों ने यहाँ पे बटरफ्लाइज कट कर ली हैं यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी भी बनानी है बटरफ्लाइज और छोटी बटरफ्लाइज भी बनानी है तो इस तरह से हम लोगों ने बटरफ्लाइज बनानी स्टार्ट कर देंगे उनको भी जैसे हम लोगों ने फ्लावर को ट्रेस किया था उसका ट्रेस कर लेंगे तो आप लोगों तो फ्लावर दो महीने बना के दिखाए थे लेकिन फ्लावर जो है वो इनफ हो गए थे तो हम मैंने वाला वा फ्लावर नहीं काटा अब हम लोग यहाँ पर जो है बटरफ्लाईज बनाएंगे तो बटरफ्लाई को भी फ्लावर की तरह हम लोगों ने ट्रेस किया और उसके बाद हम इसकी भी अब जो है कटिंग कर लेंगे उसके बाद जो इसको प्रोमिनेंट करना है हम लोगों ने वो मार्कर की मदद से कर लेंगे बोर्ड मार्कर यूज़ करूंगी जिससे अच्छी तरह से ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे अच्छा जी अब यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक फ़ीमेल मैंने जो इसका फेस हाफ़ कट कर लिया साथ इसका हैंड और यहाँ पे मैं ट्रेसिंग कर ली जो है पेंसिल की मदद से कि पता लग जाए कि हम लोगों ने फ्लावर एस्टीमेटेडली इतने ही हिस्से के अंदर अटैच करने हैं तो यहाँ फ्लावर लगाने में सबसे मेन जो प्रॉब्लम था वो ये था जैसे कलर की सेटिंग करना बहुत मुश्किल था और जो पर्पल कलर का मैंने इसकी छोटी सी ड्रेस की बॉडी बनाई है ये भी जो है बड़ी अच्छी लग रही थी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुझे बार 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 फ्लावर्स को उतार कर उनको सेट करना पड़ रहा है कि जो है ना फ्लावर का कलर वो ये ना हो के ऊपर नीचे आ जाए एक जैसे या साथ साथ एक जैसे फ्लावर्स का कलर आ जाए तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने फ्लावर्स जो है ये अच्छी तरह से पेस्ट कर दिए हैं उसके बाद यहाँ पे इनिशियल लेटर्स जो मैंने कट करके कर रख दिए थे तो ये सारी ये बड़ी मुश्किल से कट हुए थे यकीन करें ये फिर हमने अपना चार्ट बना लिया इतनी बहुत मुश्किल लगी थी इसको कट करने में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा चार्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये है। मैंने जो लिखा हुआ है एजुकेशन इज़ अ गिफ्ट दैट नॉन कैन टेक अवे तो ये सारे लेटर्स बहुत कट करने मुश्किल हुए थे सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें जो इनिशियल है वो एक कट करना मुश्किल हुआ हुआ था बहुत टफ था यहाँ पे ए लेटर को कट करना तो यहाँ पे आप साथ बटरफ्लाइज़ को भी चेक कर सकते हैं कि जो बटरफ्लाइज है ये भी कितनी ज़्यादा जो है ख़ूबसूरत लग रही हैं मतलब इतना ख़ूबसूरत इनका जो है ना ये बटरफ्लाई चार्ट के ऊपर लग रही है साइड पे आप लोग देख सकते हैं इसका हम लोगों ने साथ ही जूड़ा भी बना दिया एक प्यारा सा साथ एक फ्लावर भी छोटा सा बना के जो है ना और अच्छा यूनिक सा लगा दिया आई होप आपको आज के जो है ये चार्ट बहुत पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूलिएगा मुझे ज़्यादा दीजिए अगले वीडियो तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मुझे याद देखिएगा दुआ मेला फेस